तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक और बार स्वागत है आप सबका गेमिंग टेक्नोलॉजी की एक और नई अमेजिंग वीडियो के अंदर। आज आपको बताएंगे यारो, यहाँ पर क्रिकेट 19 के अंदर आप जो है स्टेडियम कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्टेडियम कैसे बना सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्रिकेट 19 के अंदर स्टेडियम बनाने के लिए क्रिकेट एकेडमी में जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेडियम क्रिएटर का ऑप्शन। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से क्रिएट स्टेडियम पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से आप किसी भी तरीके का स्टेडियम बना सकते हो, जो बड़े स्टैंड वाला स्टेडियम होता है या फिर कोई भी आप कोलकाता का या फिर कोई भी जो है ना स्टेडियम बना सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मैं आज आपको बता देता हूँ बना करके, मैं आपको हो सके तो दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप नाम वगैरह, सबसे जो पहला आपको फीचर मिलेगा यहाँ पर, इसके अंदर आप नाम वगैरह, निकनेम, जो कंट्री जहाँ पर भी है स्टेडियम, टेम्परेचर वहाँ का कैसा रहता है, जो भी टेम्परेचर वहाँ का रहता है वो आप कर सकते हो एकदम सही, और यहाँ से सेव वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से लाउड स्पीकर का है, यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको रखना है या फिर नहीं, जो म्यूज़िक वगैरह तभी गाना पीछे चलेगा। और साथ में उनके नॉर्थ स्टेडियम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से नॉर्थ एंड और साउथ एंड के नाम आप यहाँ से रख सकते हो, एयरपोर्ट एंड जो भी आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, शुरुआत में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ से। तो चलिए ये तो ऐसे ही था, अब यहाँ पर मेन फीचर जो यहाँ पर है पिच का है और ये वाला स्टेडियम का। तो पहले हम देख लेते हैं पिच के स्टेडियम में, यहाँ माफ़ कीजिएगा पिच के फीचर्स में। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि स्टेडियम आपको कैसा रखना है, ओवल रखना है स्टेडियम, स्क्वायर रखना है या फिर सर्कल रखना है, स्क्वायर रख लेते हैं अभी चलिए। और उसके बाद फेंसिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, किस टाइप की फेंसिंग आपको रखनी है, तो फेंसिंग जोन से भी टाइप की आपको रखनी है वो आप रख सकते हो यहाँ से। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा पास करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए दोस्तों पास करके भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए फेंसिंग यहाँ से आप रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों T20 रोप है, आपको कैसी आपको रोप रखनी है, मेरे ख्याल से तो लार्ज ही सही है, लॉन्ग रोप। और उसके बाद ODI टेस्ट की आप सब मतलब सारे क्रिकेट मैच की जो है रॉप यहां से डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद यहां से जो है आपको एक सेकंड, उसके बाद आपको ये जो साइड स्क्रीन है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप ये जो है चेंज कर सकते हो और इसके भी आपको अलग अलग फ़ीचर मिल जाएंगे, पांच ही फ़ीचर मिलेंगे वैसे तो। और उसके बाद दोस्तों आप जो पिच है, पिच के ऊपर आप देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ आपको। तो पिच के यहाँ से आप जो है ना पिच अलग कर सकते हो, ये माफ़ कीजिएगा ये पूरा स्टेडियम का वो है, ये पूरा स्टेडियम का वेरी ड्राई और ड्राई स्टैंडर्ड और एकदम ग्रीन, ये पूरा स्टेडियम का जो है ना आउटफील्ड है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिल्कुल जो पिच है कितनी आपको रखनी है, प्रैक्टिस पिचेस या फिर रखनी नहीं है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा दोस्तों पिच टाइप जो है ड्राई, कौन सी पिच रहनी चाहिए इस नॉर्मली इस ग्राउंड के ऊपर, वो आपको पूरा का पूरा डिसाइड करना है। डे वगैरह आप देख सकते हो पिच मतलब पिच एज कितनी होनी चाहिए इस पिच मतलब ग्राउंड पे कितनी रहे एज वगैरह पिच की। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, और आउटफील्ड कैसी रहनी चाहिए, सूखी हुई या फिर कैसी, और यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब आप किसी भी देश का जो है यहाँ से मतलब किसी भी कंट्री के अंदर आपको कोई भी स्टेडियम पसंद हो तो वो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों ये तो अब छोटी मोटी बात थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेडियम आप क्रिएट कैसे करोगे। तो चलिए पिच वगैरह हमने देख लिया, ग्राउंड का जो अंदर का था इंटीरियर हमने वो तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब जो स्टैंड्स है उसकी बारी आएगी यहाँ से। स्टैंड्स यहाँ से आप लार्ज ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आपको लाइट्स इधर से मिल जाएगी और इधर से आपको स्टैंड्स मिल जाएंगे। स्टैंड्स यहाँ पर आप अगर बड़ा स्टेडियम बना रहे हो लार्ज लगा सकते हो, मीडियम लगा सकते हो, स्मॉल लगा सकते हो, और अगर कुछ अलग ही बनाना है तो सब कुछ भी लगा सकते हो। फिलहाल अभी हम लार्ज ले लेते हैं। तो ये देख लो दोस्तों यहाँ से आपको ये जो है ना ऐसा फीचर मिल जाएगा, और मान लीजिए हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर अब आपको एडिट इसको कर सकते हो आप, और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, कितना बड़ा आपको करना है यहाँ से वो भी आप एडिट यहाँ से कर सकते हो। ये ले लेते हैं रूफ़ आपको कौन सी लगानी है स्टेडियम की, वो भी आप विदाउट रूफ़ कर देते हैं चलिए, और मतलब आप पूरा का पूरा स्टेडियम जो है ऐसे ही करके एडिट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से कलर, सीट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, और सब कुछ मतलब हर चीज़ का यहाँ से आपको मिल ही जाएगा सब कुछ, ग्रिल वगैरह या फिर सब कुछ, जी हाँ। और स्पॉन्सर भी आप चार्ज कर सकते हो, एड्स वगैरह जो कि आती है
स्टैंड्स के ऊपर, वो भी आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करके आपको हर तरीके, हर तरफ, इधर अगर आपको लगाना है तो टेढ़ा कर देना है, यहाँ से कर्व करने का भी ऑप्शन होता है इसके अंदर। अगर कर्व नहीं हो रहा है तो आप जो स्टेडियम होता है ये वाला, आप पहले से ही टेढ़ा वाला ले लो ये वाला, और छोटा वाला ले लो और लगा दो यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको हर तरफ स्टेडियम लगाना है, मतलब हर तरफ जो है अपना यहाँ पर स्टैंड्स लगाने हैं हर एक तरफ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप पवेलियंस भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो, क्योंकि वैसे बड़े बड़े ग्राउंड्स में आपको ये देखने के लिए मिलता है नहीं बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर, पर अगर आप लगाना चाहो तो ये भी एक आधा लगा सकते हो। अगर आप कोई मतलब दूसरा स्टेडियम बना रहे हो या फिर कुछ भी है तो आप लगा सकते हो ये भी। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ से लाइट्स दिखा देता हूँ। लाइट्स दोस्तों आप स्टेडियम के हिसाब से ही लगाइए, अगर बड़ा स्टेडियम बनाए बड़े स्टैंड्स लगाएं तो लार्ज लाइट ही लगाइए। और यहाँ पर लार्ज के अंदर भी आपको दो फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए ये वाला ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अब जहाँ पर भी आपको पोल लगाना है वहाँ पर आप लगा लीजिए, टेढ़ा कर दीजिए लाइट्स का फोकस, क्योंकि अंदर बने जितनी आप लाइटिंग अच्छी करोगे उतना अच्छा बेहतर रहेगा ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पर ऐसे आप लगा सकते हो लाइटिंग जो है प्लेस कर सकते हो। और मिनिमम टू मिनिमम एक ग्राउंड के अंदर आप चार, अगर बड़ी लाइटें लगा रहे हो, बड़ी लाइटें लगा रहे हो अगर आप बड़ी, या फिर हाँ बिल्कुल बड़ी अगर लाइटें लगा रहे हो तो चार लाइटें, चार में बन जाएगा काम, चार लाइटों में बन जाएगा काम। अगर आप स्मॉल लगा रहे हो तो स्मॉल तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको लगानी पड़ेगी, अलग अलग अंदाज़ की आपको लाइटें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों आज वाली वीडियो मेरे को लगता है कि बड़ी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्टेडियम के बारे में बताना चाहता था और मज़ा भी आता है स्टेडियम के बारे में बात करने में। तो चलिए ऐसे करके आप लाइटिंग सिस्टम लगा सकते हो और स्टैंड्स आप लगा सकते हो यहाँ पर। अगर आप लोग दोस्तों बोलोगे तो मैं आपको कोई भी स्टेडियम बनाकर भी दिखा दूंगा, कोलकाता या फिर पंजाब वगैरह का जो सा भी स्टेडियम अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट कर देना, वही स्टेडियम मैं आपको बना करके दिखा दूंगा एकदम। इसके बाद क्या आता है? तो चलिए दोस्तों ये हमने स्टेडियम की मतलब इसकी बात करी, लाइटिंग वगैरह की और स्टेडियम की, और ये पूरे ग्राउंड की बात हो गई, ये स्टार्टिंग की जो सेटिंग है वो हो गया सब कुछ। और चलिए अब आ गया यहाँ पर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर आप सब कुछ लगा सकते हो, रोड्स वगैरह और बाहर का क्या इन्वायरमेंट रखना है आपको, हिल्स वगैरह आप यहाँ से डिसाइड कर मतलब बाहर हिल्स वगैरह लगा सकते हो आप यहाँ से सब कुछ। यहाँ पर आपको कार पार्किंग आप यहाँ से लगा सकते हो, बिल्कुल गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा आपको ये सब बाद में ही करना है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लगाना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ें। और फेंसिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, सब कुछ आप लगा सकते हो यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है रोड ट्राई करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आप कनेक्ट करके ऐसे करके रोड जो है बना सकते हो, लगा सकते हो यहाँ से, आप किसी भी रोड से कनेक्ट करके स्टेडियम की ओर आता हुआ रोड आप लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर होता तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा है यहाँ से, कि आप पीछे का जो चेंज कर सकते हो, एक सेकंड, यहाँ से तो आप स्टेडियम का चेंज कर सकते हो कि मतलब कौन सा कंट्री का स्टेडियम है। इसके अलावा भी एक फीचर देखने के लिए मिलता है मेरे को, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पर होगा वो फीचर, शायद ये है, हाँ यही है। तो ये आप पीछे की सिटी, बिल्कुल बिल्कुल हैशेज में ऊपर होता था, पर यहाँ पर अलग से है ये फीचर। तो यहाँ से आप पीछे का जो है ना बिल्कुल ही नज़ारा चेंज कर सकते हो, बिल्डिंग्स आपको लेनी है, सिटी एरिया लेना है, या फिर आपको जोन सा भी एरिया लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आउटलुक जो है ये आप घुमा भी सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा पवेलियन सैंड की और आपको कुछ और करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। माउंटेन्स वगैरह पीछे, उसके भी पीछे आपको फीचर देखने के लिए मिलेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इससे भी पीछे आपको, एक और बारी मैं बैक करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ये देख लीजिए, इसके भी पीछे आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख लीजिए माउंटेन्स आप लगा सकते हो, सब कुछ हिल्स आप लगा सकते हो। तो ये आपको अलग अलग फीचर्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसे भी आप घुमा सकते हो बिल्कुल, और इसके अंदर भी आप और ज़्यादा माउंटेन ऐड कर सकते हो, अभी तो फ़िलहाल रहने देते हैं, और उसे भी आप घुमा सकते हो बिल्कुल। चलिए अभी तो फ़िलहाल ये भी बता दिया मैंने आपको, और अब चलिए चल देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये आपको इसके अंदर कैफ़े वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो है यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, लाइट पोल और मतलब जो भी आपको ऐड करना है, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ में ही, रोड वगैरह के साथ में ही, लाइट्स वगैरह जो भी आपको मतलब एक अच्छा स्टेडियम बनाना है, बाहर का भी आउटलुक अच्छा देना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ वैसे बताने वाली है नहीं, लेकिन ये एक बड़ी बात इसके अंदर स्कोर बोर्ड कैफे है सबसे पहला, उसके बाद टॉयलेट्स यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर ये यहाँ पर आपको मिलेगा
बिल्कुल। फिर यहाँ पर आपको ये मिलेगा ये स्कोर बोर्ड, तो ये स्कोर बोर्ड आप ज़रूर ऐड कीजिए। वैसे तो ये जो आपने लगाया है ना स्टैंड्स, इसके अंदर भी स्कोर बोर्ड ऐड कर सकते हो आप सेटिंग में जा करके, लेकिन अलग से अगर करना है आपको, और मेरे ख्याल से करना चाहिए तभी अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर आप ज़रूर ऐड करो एक स्कोर बोर्ड का फीचर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप ज़रूर ऐड करो एक स्कोर बोर्ड। चलिए दोस्तों, ये तो सारे फीचर्स आपको मैंने बता दिए, लगभग पहला वाला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, और ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। ये बस एक फीचर बचा है यहाँ से। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है स्पॉन्सर का फीचर, तो यहाँ से आप लगा सकते हो, मतलब कि एड्स वगैरह जो आपने देखा होगा मैचेस के अंदर, ग्राउंड के अंदर चलता रहता है। एक बारी मैं आपको ऊपर जा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो बैनर्स है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स चलता जा रहा है, और ये आप एड्स यहाँ से जो है एड्स की सेटिंग कर सकते हो, और अलग भी एकदम लगा सकते हो। 16 स्लॉट्स मिलेंगे यहाँ पर, आपको लगा सकते हो जो मर्जी एड्स चाहो आप। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा स्टेडियम बता दिया। बजट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, कि बजट के अंदर आपको शायद ही तैयार करना होगा, ये मेरे को नहीं पता वैसे, बजट का अभी तक मैंने देखा नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा तो। और अगर आपको ये मतलब वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है भाई। और अगली, चलिए फिर आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया, एक एक डिटेल बता दी स्टेडियम बनाने के बारे में। और दोस्तों यहाँ से अगर आपको नाम वगैरह डिसाइड करना है, मतलब एंड वगैरह डिसाइड करना है, तो यहाँ से ज़रूर करना। और साथ में पिच वगैरह बता दी, स्टेडियम्स एंड बता दिए मैंने, बड़े स्टेडियम मतलब बड़े स्टैंड्स आप लगा सकते हो, छोटे स्टैंड्स की एक और बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टैंड्स में जो है आप एडिटिंग करके, आप यहाँ से स्टैंड्स में एडिटिंग करके जो है सब कुछ रूफ वगैरह पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर सकते हो स्टैंड्स का। और अगर हम लार्ज स्टैंड ले तो ये देख लीजिए कितना बेहतर लग रहा है, ये उल्टा है फिलहाल, और ये कितना बेहतर लग रहा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अगर आपको टेढ़ा लगाना है तो ऐसे लगा दो दोस्तों, और ये घूम भी कर्व भी हो जाएगा यहाँ से, और ऐसे करके यहाँ पर ये स्टेडियम का एंड आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, ऐसे करके आप बहुत बड़ा स्टेडियम अपना कोलकाता, दिल्ली, जोन सा भी आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो, और भी अगर आपको कोई अपना स्टेडियम बनाना है तो आप बना सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया स्टेडियम, और यहाँ से आप मैनेज स्टेडियम से जाके स्टेडियम वगैरह जो भी आपने बनाया उसे एडिट कर सकते हो, या फिर उसे मतलब डिलीट जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो यहाँ से। तो चलिए आज की वीडियो में तो बस इतना ही, पूरा मैंने आपको बताया स्टेडियम क्रिएटर के बारे में, कैसे बनता है स्टेडियम क्रिकेट 19 के अंदर। वैसे तो एशिज़ के अंदर भी सेम ही है, डॉन ब्रैडमैन के अंदर भी थोड़ा बहुत फीचर्स का फर्क होता है, बाकी सब सेम ही रहता है। चलिए फिर आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट करके अगर ये वीडियो पसंद आई तो अगला मैं अगर स्टेडियम बनाकर आपको दिखाऊं तो किस मतलब कौन सा स्टेडियम बना करके दिखाऊं, जोन सा भी आप कहोगे, इंडिया का बताना, कोई इंडिया का बताना, जोन सा भी आप कहोगे तो नीचे कमेंट कर देना, वही हम बना देंगे। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।